परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ नाजिया और आप सुन रहे हैं शो जीना, इसी का नाम है। इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे शख्स से जो जिंदगी की स्ट्रगल कुछ इस अंदाज में कर रहे हैं कि उनके माँ बाप, भाई बहन की जिंदगियों में रोशनी और उजाले हो सके। ऐसे में हम उन भाई और बहनों की कहानियाँ आप तक पहुँचाते हैं जिनके किस्से बहुत ही दिलचस्प होते हैं। इस शो में जिससे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उनकी कहानियाँ कई बार आपको अपनी कहानियों से मेल खाती नजर आती है। तपती धूप में काम करते हुए नींबू पानी पीकर खुश हो जाना, जीना इसी का नाम है। फोन पर माँ से बात करते हुए चहकना, आंसुओं को पी जाना, जीना इसी का नाम है। खुद ईद पर पुराना जोड़ा पहनना और घर वालों को नया खरीदवाना, जीना इसी का नाम है। सुनिए प्रोग्राम जीना इसी का नाम है Every Friday with RJ Nazia, 12 p.m. onward, only on FM 107, Dil Se Desi. Jeena isi ka naam hai. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, आदाब। मैं हूँ नाजिया आपके साथ और आप सुन रहे हैं शो जीना, इसी का नाम है। वेल, दूसरों के काम आना, जीना इसी का नाम है। दूसरों के दुख दर्द को अपना समझना, जीना इसी का नाम है। दूसरों की परेशानियों में खड़े हो जाना, जीना इसी का नाम है। बस दुख दर्द, ऊंच नीच, हर किसी हर सिचुएशन में हंसना मुस्कुराना, जीना इसी का नाम है। सो यस, एक और नए एपिसोड के साथ मैं नाजिया आपके साथ, और इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियत से जिनकी कहानी बड़ी दिलचस्प होती है। उनका कतर में सफर भी बहुत दिलचस्प होता है। कई बार उनकी कहानी आपको अपनी कहानी से मेल खाती लगती है। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बेहद अच्छे इंसान जो यहाँ कतर में सालों से मौजूद है। ये यारों के यार हैं, एक बड़े अच्छे साफ दिल के इंसान हैं। चलिए करते हैं इनसे बात और आपकी भी मुलाकात करवाते हैं। यहाँ पर मुझे इनसे बात करने से पहले निदा फाजली का एक शेर याद आ गया जो आप लोगों की इजाजत से मैं पढ़ना चाहूंगी कि यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, इन्हीं ख्यालों से तुम भी बहल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। चलिए करते हैं बात और अपने सफर की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले खुश आमदीद कहेंगे हमारे मेहमान अमजद इकबाल जी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, और मेरी तरफ से जो इस वक्त सुन रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम और जुमा मुबारक। और अभी अभी जो आपने नमाज पढ़ी है और जो दुआएं मांगी हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, वो अल्लाह ताला की ज़ात आप सबकी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अमजद जी, यहाँ से ही शुरुआत करेंगे कि आप कब कतर आए और कैसे आपने सोचा कि मुझे कतर में ही अपनी रोजी रोटी के लिए जाना है। वो कहते हैं ना नादिया जी कि जो नसीब और मुकद्दर में जिधर लिखा हो तो वो आदमी उधर ही चला जाता है। तो हम भी ये सोच के घर से निकले थे कि घर से निकले थे चंद खुशियों की खातिर, घर से निकले थे चंद खुशियों की खातिर, नसीब ने उम्र भर का परदेश लिख दिया। तो इस शेर से अंदाजा ये लगा लीजिए कि मैं तकरीबन 1990 से इधर हूँ, तो काफी अरसा हो गया। और बीच में जब पाकिस्तान भी आते जाते रहते हैं, तो जिस टाइम हम पाकिस्तान से आए थे तो उस टाइम हम लोग कराची से आए थे, तो जो वक्त कराची में उस वक्त था और वही वक्त अपना कतर में इस वक्त था, और वो जो 2 घंटे की दौड़ है, यानी कि कहने का ये मतलब है कि 2 घंटे का फ़र्क है, ये 2 घंटे यानी कि हमारे पाकिस्तान से पीछे है, लेकिन यही 2 घंटे हम इतना दौड़ 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 के अभी तक वो 2 घंटे हम बराबर नहीं कर सके। ओहो, क्या बात कही अमजद जी। अच्छा, आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी, कौन कौन आपके घर में है और कहाँ से आपका ताल्लुक है, और साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि आपने तालीम हासिल की तो कहाँ तक की? जी, सबसे पहले तो ये है नादिया मसीह के पाकिस्तान में जिस टाइम हम आए थे उस टाइम तो बहुत कुछ छोड़ के आए थे, लेकिन इस वक्त वक्त की रफ्तार के साथ बहुत कुछ खो भी दिया है। यानी कि माँ बाप चले गए हैं, कुछ रिश्तेदार चले गए हैं, जिस टाइम भी हम जाते हैं तो कोई ना कोई कम ही हो जाता है। दूसरा आपने तालीम का पूछा, तो तालीम मेरी मैट्रिक तक है, और हम जो है पाकिस्तान पिंडी खेप डिस्ट्रिक्ट अटक, जो कि अभी नया एयरपोर्ट बना है इस्लामाबाद का, वहाँ से तकरीबन हमारा 30 मिनट का रास्ता है पिंडी गेप की तरफ।
क्या बात है। अच्छा आपके घर में कौन कौन है इस वक्त? आपने बताया कि माँ बाप तो हयात नहीं है आपके। जी अल्हम्दुलिल्लाह चार भाई हैं और एक बहन, और सब अपने अपने घर में खुशहाल हैं। और मेरे घर में दो बेटियां हैं, अल्लाह की रहमत है, और वो उसी वजह से, वो क्या कहते हैं उसको, कि अभी तक हम लोग चल रहे हैं उनकी दुआओं की वजह से और अपनी पूरी फैमिली की वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी दुआ आपके साथ है। अच्छा आप यहाँ कतर में एग्जैक्टली क्या काम करते हैं? जी मैं अपना एज ए ड्राइवर था, जिस टाइम हम लोग आए थे तो उस वक्त मैं लेबर में काम करता था, और उसके बाद फिर मैंने ड्राइविंग का लाइसेंस ले लिया, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइविंग ही करता रहा, और बीच में मैं अपना पीएमवी का परचेजर भी रहा हूँ और पीएमवी का असिस्टेंट फोरमैन भी एज ए काम किया है मैंने। अच्छा। और अभी इस वक्त भी पिछले तकरीबन एक साल से, जिस वक्त कोरोना था तो उस वक्त कोरोना में मेरे पास एम्बुलेंस थी। अच्छा। तो वो एम्बुलेंस में मैंने काफ़ी वो पेशेंट वगैरह जो जिनको कोरोना वगैरह होता था वो छोड़ने का काम वगैरह मैंने किया है। तो मेंटली आप काफ़ी डिस्टर्ब रहे होंगे उस दौरान, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स, कोरोना के सारे पेशेंट्स, उन्हें आप ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा भी लगा कि मैं खुद भी कोरोना मुझे हो गया? अजीब सी बेचैनी, तकलीफ और बीमारी का एहसास आपको भी होने लगता है? वो ऐसा है, क्या कहते हैं उसका नादिया जी, कि जो जिस वक्त जो चीज़ जिधर लिखी हो वो उस वक्त हो के रहती है। तो मैं जिस टाइम एम्बुलेंस में काम कर रहा था तो उस वक्त कोरोना भी सही अरूज के ऊपर था, आप ये कह लीजिए। तो उस वक्त ये था कि कोई भी जो ड्राइवर वगैरह थे इंडिया के या नेपाल के या बांग्लादेश के, उन सब लोगों ने बोला कि हम जो भी काम करना है हम एम्बुलेंस नहीं चलाते। तो वो फिर मेरी ड्यूटी ज़्यादा लग गई थी तो मैं ही वो करता था, क्योंकि जो मौत जिस वक्त जिस जगह पे लिख दी गई है उसने उसी वक्त उसी जगह पे आना है। ये तो सही, बिल्कुल सही बात। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने कहा कि आप ड्राइविंग का काम करते हैं, तो अगर आप ड्राइविंग का काम नहीं करते तो कोई और अगर ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन में होते तो कौन सा आपको लगता है कि आपके हिसाब से काफ़ी बेहतर होता आपके लिए? मेरे ख्याल में मेरे अंदर थोड़ा सा टैलेंट है, तो वो ये है कि मैं काम करा सकता हूँ कुछ ना कुछ लेबर से। तो वो असिस्टेंट फोरमैन होता या फोरमैन होता, तो वो तकरीबन मेरे अंदर इतनी सलाहियत है कि मैं काम करा सकता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा आप जब पहली बार यहाँ कतर आए और कतर एयरपोर्ट पर आप लैंड हुए, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? क्या ये सोचा था आपने कि अब मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ पर आया हूँ, थोड़ा बहुत कमा के और वापस अपने मुल्क चला जाऊँगा, या क्या लग रहा था, घबराहट थी कि ये मुल्क कैसा है, मुझे मैं इसे अपना सकूँगा या ये मुझे अपना सकेगा, किस तरह की सोच थी? और कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा शख्स जिसने ख़ास तौर पर बिलखसूस उस वक्त आपकी मदद की? वो क्या कहते हैं उसका, आपका बहुत अच्छा सवाल है नादिया जी। तो वो ये था कि मुझे गल्फ में आने का बहुत पहले से शौक था ना, तो मैं गल्फ में जाऊंगा और वहाँ जाके काम करूंगा। तो जिस वक्त मैं पहली दफ़ा एयरपोर्ट पे भी आ रहा था, पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर ही था, तो आप यकीन कीजिए कि उस वक्त एक पाकिस्तानी सॉन्ग था जो चल रहा था कि हमने जो देखे ख्वाब सुहाने आज उनकी ताबीर मिली है। तो ये एक हमारे बहुत अच्छे मोहतरम हैं मलिक साहब, जिन्होंने हमको वीज़ा दिया था, मलिक अहमद ख़ान साहब, जिनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने उस वक्त हमको फ्री वीज़ा दिया था और हम लोग यहाँ पर आए और काम कर रहे थे। और अब भी मैं जब भी पाकिस्तान में जाता हूँ तो उनसे स्पेशल मिलता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो जिस वक्त हमको लेके आए उस वक्त मेरे पास कोई हुनर कोई फन नहीं था, उसके बाद ही मैं ड्राइवर यहाँ पर ही बना और मैंने ड्राइविंग सीखी है और अल्हम्दुलिल्लाह अरबी लैंग्वेज भी सीखी है। तो उस टाइम हम लोग काम करते थे, तो ये उनकी मेहरबानी है, उनका शुक्रिया। अरे वाह, बहुत अच्छा जिक्र आपने किया मलिक साहब का, और ये भी बड़ी बात है कि आप उनको आज भी इज्जत देते हैं और उनको याद रखा है आपने। जी, वो कहते हैं ना कि जो इंसान इंसान का शुक्रिया अदा नहीं करता उसने अल्लाह ताला की ज़ात का क्या शुक्रिया अदा करना चाहिए। और शरीफ आदमी की एक ही पहचान है कि वो अपने जो एहसान करते हैं उनको नहीं भूलता। बहुत प्यारी बात कही हम चाची। एक चीज़ मैं आपके बारे में जानती हूँ कि आप जो हैं एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। यहाँ पर कोई ऐसा आपका दोस्त जो बहुत आपके करीब है दिल के, और आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप अपनी फैमिली से बाहर हैं, कोई है जिनका जिक्र आप करना चाहेंगे? जी बिल्कुल है जी,
और बहुत ही अच्छा दोस्त हमको मिला है, और जो शुरू में आए थे तो वो उसी वक्त ही हमारा दोस्त बन गया था, क्योंकि उस वक्त हर एक रूम में टीवी और वीसीआर वगैरह तो नहीं होता था, लेकिन रेडियो और टेप रिकॉर्डिंग जरूर होती थी। अच्छा। तो जिसकी वजह से लोग अपनी आवाज रिकॉर्डिंग करके अपने मुल्कों में भेजते थे, तो हमारे पास भी टेप रिकॉर्डिंग थी। तो उसमें ये था कि रेडियो था, जिसे अब भी हम लोग कहते हैं 107, तो ये उस वक्त से साथ है और अब तक भी साथ है, और इसी इसके साथ होने से ही हमको बहुत सारे बेहतरीन और अच्छे अच्छे दोस्त भी मिले हैं। ये इसकी बहुत मेहरबानी है 107 की, कि हमें बहुत सारे और अच्छे अच्छे और अनमोल दोस्त दिए हैं इसने। क्या बात है, ऐसे ही एक प्यारे से दोस्त का आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, चलिए आइए मिलकर सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजिया मैम, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ FM 107 की पूरी टीम का, जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। जीना इसी का नाम है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम। और FM 107 तो वैसे भी हमारी फैमिली की तरह है, और फैमिली का मेंबर होने का हक अदा किया जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। और इसमें जितने लोग यहाँ पर रहने वाले हैं और ख़ास तौर पर जो लिसनर हैं, उनको ये मौका दिया कि वो अपनी बात आकर रख सकें और अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। FM 107 की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपके जो मेहमान हैं अमजद इकबाल साहब, बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं और हमदर्द हैं और एक अच्छे दोस्त हैं मेरे, और तकरीबन FM की बदौलत से ही जो है, FM 107 की बदौलत से ही हमें ऐसे प्यारे दोस्त मिले हैं। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, और बहुत अच्छा लग रहा है इनकी बातें सुनकर आपके साथ, ऐसा लग रहा है कि कारजी बैठे हैं। मेरा सबको तहे दिल से सलाम। Right guys, welcome back. खुशामदीद, आप सुन रहे शो जीना इसी का नाम है, मैं हूँ नाजिया आपके साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं अमजद इकबाल जी, जिनसे हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो अमजद जी, जैसे आपने बताया कि जब आप यहाँ पर आए थे, रेडियो ने FM 107 ने आपका साथ दिया और आपका ये दोस्त भी बन गया एक तरीके से, और इसके हवाले से आपको बहुत सारे दोस्त मिले। तो ऐसा कोई दोस्त जो बाकायदा आपको उसने रिकमेंड किया कि यहाँ कतर में ये जगह बहुत खूबसूरत है, और पहली बार बाकायदा आप उनके साथ घूमने कहीं गए, तो वो कौन सी जगह गए थे? जी, जिस वक्त हम लोग आए थे तो वो तकरीबन 92 में अलखोर गार्डन था। अच्छा। तो वहाँ पर जो लोग ज़्यादातर जाते थे अलखोर गार्डन में, तो हमारे एक बहुत ही मोहतरम मलिक साहब थे, मलिक इजाज हैदर साहब, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह ता फरमाए। तो उन लोगों ने वो उस टाइम 3 महीने तक हम लोग तकरीबन रूमों में बैठे रहे, क्योंकि वो वीज़ा वगैरह और अकामा वगैरह लगने से, क्योंकि हम लोग अंदर काम करते थे तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा टाइम लगा है अकामा लगाना और वीज़ा आने में, तो गेट पास वगैरह बनने में। तो वो तकरीबन 3 महीने तक उन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जो हमको ना दिखाई हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्हें 3 महीनों में हम लोग को कतर की बहुत सारी जगह घूमे। वाह क्या बात है, माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा, आप यहाँ आए उसके बाद क्या आपकी जिंदगी में आपने किसी तरह का कोई खास बदलाव महसूस किया? जी बिल्कुल जी, बदलाव ये महसूस किया था कि जो वहाँ पर जाते थे तो थोड़ी सी लोग वगैरह इज्जत करते थे, जी ये वहाँ पे गल्फ में काम करता है। अच्छा। तो उसकी वजह से तो थोड़ी सी कुछ जान पहचान होती भी थी, और कुछ फिर वक्त के साथ साथ रहते रहते, अभी हमें इतना अरसा हो गया तो खुद तारुफ किसी किसी जगह पे कराना पड़ता कि मैं उस मोहल्ले का हूँ और उस जगह भी हूँ, क्योंकि असल वतन तो अभी आप यकीन कीजिए कि हमारा ये कतर है, क्योंकि वहाँ पर हम जाते हैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो वहाँ पर यकीन कीजिए कि मेहमान है और असल वतन हमारा असल ये है कतर। क्या बात है, और क्या आपने ऐसा सोचा है कि अब कोई एक आपका टारगेट आपके जहन में हो? जैसे कई बार लोग आते हैं तो वो सोचते हैं कि उनका खुद का घर बन जाए, या बहन है या बेटी है तो उसकी शादी हो जाए, या फिर बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो फिर हम अपने वापस अपने वतन लौट चलें। तो आपने भी सोचा है कि अब आपके जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो आपने कम्प्लीट कर लिया, अकम्प्लिश कर लिया, तो मुझे वापस जाना है? आप यकीन कीजिए नादिया जी, तो टारगेट जो है ना वो वक्त के साथ साथ बढ़ते ही रहते हैं। आदमी कुछ सोचते हैं, वो जिस टाइम हम लोग आए थे
92-93-90 में, तो ये सोचा था कि 2-3-4 लाख रुपया हो जाएगा, तो उसको बैंक में जमा करा देंगे तो हर महीने इतने आ जाएंगे, तो फिर हम लोग उधर ही काम करेंगे। लेकिन यकीन कीजिए कि उस टाइम से लेकर और अब तक जो है वही दौड़ जारी सारी है, और अभी तक वो कंप्लीट नहीं होता। एक कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा निकल आता है, वो कंप्लीट हो जाता है तो एक और टारगेट निकल आता है। ये है कि एक दफ़ा मेरा बड़ा भाई और मैं और मेरी अम्मी एक जगह में बैठे हुए थे, तो उस में ये था कि हम लोग एक दरख्त के नीचे बैठे थे थोड़े से, तो वहाँ से जो हमारा शहर था वो थोड़ा सा नीचे था ना, तो मेरी माँ ने कहा था कि कभी ऐसा होगा कि उस शहर में भी हमारा अच्छा सा प्यारा सा घर होगा। लेकिन आप यकीन कीजिए नादिया जी कि जिस वक्त घर बनाया तो उस वक्त खुशियाँ शेयर करने के लिए हमारी माँ नहीं थी हमारे साथ। ये बहुत सारी कमियाँ महसूस की हैं कि काश आज वो होती। उन्होंने ये कहा था कि मेरे बेटे कभी कोई ना कोई घर होगा, तो मैं उस टाइम बहुत छोटा था, तो मैंने कहा था कि माँ मैं घर बनाऊंगा इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह घर तो बन गया है। लेकिन वो जो खुशियाँ थी वो शेयर करने के लिए या वो देखने के लिए वो माँ नहीं रही। लेकिन मुझे उम्मीद है वो जहाँ भी है आपको देख रही हैं और वो आपकी खुशी में खुश हैं, और जिस तरह से आप अपनी बच्चों की तरबियत कर रहे हैं उससे भी आप जो हैं बहुत अच्छा घर बना रहे हैं। और बहुत अच्छी तरबियत करना, बच्चियों की शादी करना, उनका ख्याल करना, उससे भी आपकी माँ को बहुत सुकून मिल रहा होगा। जी इंशाल्लाह जी बिल्कुल, अल्लाह ताला की ज़ात और आप सब लोगों की दुआएँ शामिल हार रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं अपना जो टारगेट है और बच्चियों की तालीम वगैरह, तो तकरीबन बड़ी बेटी है मेरी वो बीए कर चुकी है और ऑफिस में काम करती है, और जो छोटी है वो सेकंड ईयर में है, तो उसने माशाल्लाह आपकी या मैं बताता चलूं तो उसने 1100 में से 1021 नंबर लिए हैं। माशाल्लाह वो काफ़ी लायक है। और उसका मैं आपको एक छोटा सा वाक्य शेयर करता चलूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी। तो वो ऐसा था कि वो कुछ मैं पाकिस्तान में था, क्योंकि यहाँ पर जिस वक्त हम कोपनी से जाते थे तो 2 साल के बाद फिर किसी दूसरी कोपनी में आना होता था, तो वो कुछ वक्त और हालात के साथ कुछ थोड़े से ठीक नहीं रहे। तो मैंने अपने एक दोस्त को कहा था कि ये रमज़ान का टाइम चल रहा था कि मैंने कहा कि आज आइए आप हमारे साथ ही तो इफ्तारी करते हैं ना, तो बच्चों को आपको मालूम है शौक़ होता है नई नई चीज़ें दिखाने का कि मैं ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे ये चीज़ है, ये मेरी वो चीज़ है। तो मेरे दोस्त ने कहा था कि बेटा कपड़े तो हैं तो जूते नहीं हैं। नहीं, तो आप यकीन कीजिए नादिया जी कि मेरी बेटी ने पुराने जूते लेकर उनको ब्रश से पानी लगा के साफ करके, तो उसके बाद उसने दिखाए हैं कि अंकल ये है मेरे जूते। तो मेरे दोस्त ने कहा कि बेटा ये जूते तो पुराने वाले हैं, नए वाले नहीं हैं। नादिया जी आप यकीन कीजिए कि जिस वक्त उसने बच्ची ने जवाब दिया है, मैं और मेरा दोस्त एक मिनट के लिए खामोश हो गए, एक दूसरे को देखते रहे हैं। वो बच्ची अभी स्कूल भी नहीं जाती थी, तो उस बच्ची ने कहा कि अंकल हम लोग बाजार गए थे लेकिन वो जूतों वाली दुकान बंद थी। वो कहते हैं ना कि गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं शरारत नहीं करते। और अभी अभी जो मैंने आपका साथ जिक्र किया है कि मेरी बेटी ने ये वही बेटी है जो जॉब कर रही है, नहीं ये छोटी वाली है जिसने इतने सारे मार्क लिए हैं, और बस आपकी दुआएं चाहिए तो इंशाल्लाह इसको इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, बस यही इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बात कि एक तो आप बेटियों को पढ़ा रहे हैं और फिर आपने इतनी अच्छी सोच रखी है कि बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, और शायद ये वही वजह है उस वक्त अगर शायद बच्चे को ये गुर्बत नहीं मिलती तो शायद वो इतनी मेहनत से नहीं पढ़ता। कई बार क्या होती है बहुत सारी चीज़ें आप उनको मुहैया कराते हैं तो मुहैया कराने के बाद वो बच्चे जो हैं स्पॉइल हो जाते हैं, पढ़ाई से हट जाते हैं, उनका जहन बढ़ जाता है।
लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आपने घर में इस तरह का माहौल बना के रखा जहाँ तालीम को अहमियत दी आपके घर वालों ने, और देखिए बेटी आपके कितने अच्छे मार्क्स लेकर पास हुई है, आज कितना फख्र महसूस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया जी के वो जिस टाइम हॉस्टल में थी ना, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे तो वो उनको देखती थी तो उनको भी कहती थी कि अंकल आप भी जाग रहे हैं ना, तो इस वक्त मेरे अब्बू भी जाग रहे होंगे, वो भी जॉब कर रहे होंगे। देखिए वो कितना आपसे कनेक्टेड है, कितना आपको याद करती है, और मुझे बड़ी खुशी है अमजद जी कि आप इतनी अच्छी बेटी के फादर हैं। आपको फख्र होना चाहिए कि आपकी बेटी माशाल्लाह इतनी समझदार है, इतनी केयरिंग है, आपकी इतना ख्याल करती है। आज के दौर में अगर इस तरह की औलाद है तो आप कामयाब हैं जो अपने माँ बाप का ख्याल कर रही है। बस इसकी एक वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि हमको जो अपनी एक वाइफ मिली है ना, ये उसके भी बहुत, तो अमजद एक ही वाइफ मिलती है नहीं, एक वाइफ तो मिली है, ऐसे, एक ऐसे, में खुश रहे ऐसे तो ऐसा है ना, क्योंकि शरीयत में चार जायज है। नहीं नहीं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, देखिए एक जो मिली है उसमें आप बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छी आपकी वाइफ है, बच्चे बहुत आपके अच्छे हैं, तो बस आप खुश हो, मुतमईन रहिए, खुश रहिए जी इंशाल्लाह जी जरूर, क्योंकि वो माँ बाप की बेटी भी एक ही है और हमारी वाइफ भी एक ही है और वो एक ही रहेगी इंशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा कोई ऐसा सॉन्ग जो आप अपनी वाइफ के लिए, थोड़ा सा अच्छा मूड करते हैं, चलिए कुछ अच्छी बात करते हैं, मूवीज की करते हैं, तो कोई ऐसा सॉन्ग जो आपने पहली बार जब आप उनसे मिले और उनके लिए खास गाया हो, या कोई ऐसा शेर आपने पढ़ा हो, या कोई ऐसी बात आपके जहन में हो, या अब अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा सॉन्ग जो उनके लिए आप डेडिकेट करना चाहें तो कौन से करना चाहेंगे? वो ये था कि जिस टाइम हमारी सुहागरात थी तो उस टाइम वो एक नई दफ्तर का गाना है, और मजे की बात यह है कि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उनका नाम भी यही है, नहीं जी नहीं अख्तर, ओ माशाल्लाह। तो अभी वो नईद अमजद हैं, तो ये है कि नईद अख्तर का एक गाना है कि था यकीन के आएंगी ये रातां कभी, होंगी उनसे मुलाकातां कभी, ये सॉन्ग अगर आप सुना देंगे तो वो बहुत जबरदस्त। चलिए जी जरूर, आपने इतना खूबसूरत सा सॉन्ग उसका जिक्र कर ही दिया, तो चलिए आइए मिलकर ये खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर में वापस आएंगे। मैं हूँ नाजिया आपके साथ, और मेरे साथ मौजूद है अमजद इकबाल जी, जिनसे हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो अमजद जी, ये तो हम समझ गए कि कतर ने आपको बहुत कुछ दिया, और अगर आपको मौका मिले कि आप कुछ कतर को वापस देना चाहें तो आप क्या देना चाहेंगे? जी, हमारी हर टाइम और हर नमाज में हमारी गुड विशेष और बहुत सारी दुआएं हैं इस मुल्क के लिए, क्योंकि इस मुल्क में ऐसा है कि नादिया जी मैं आपको बताता चलूं कि जैसे कि आप, मैं स्पेशल हूं, स्पेशल से मुराद ये नहीं है कि मैं आपके स्पेशल तो आप हैं स्टूडियो में आया हूं या VIP हूं, वो स्पेशल नहीं हूं, मैं स्पेशल पर्सन में अभी शामिल हूँ, क्योंकि अच्छा। मैं आपको और अपने सुनने वाले को बताता चलूँ कि मेरी एक टांग शुगर की वजह से कट चुकी है, तो कतर ने मेरे साथ ये हेल्प की है उसकी वजह से कि अपना जितनी भी मेडिसिन वगैरह है, या वो एक कार्ड मेरे बना के दिया है, तो मेरी जितनी भी मेडिसिन वगैरह है या जितना भी इलाज है वो फ्री है। माशाल्लाह, ये सहूलियत शायद अगर आप अपने मुल्क में होते तो नहीं मिल पाती आपको। यकीन कीजिए कि कभी भी नहीं मिलती, और वहाँ पर तो ऐसा है कि इतने टेस्ट वगैरह, और छोटे से छोटे डॉक्टर के पास भी जाएं तो 1,000-2,000 रुपया तो उसकी चेकिंग की फीस होती है, और बाद में जो मेडिसिन होती है वो अलग से है। सही सही बिल्कुल, तो ये वाकई मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़ी सहूलियत, और यहाँ ये मुल्क जो है वाकई सबका ख्याल रखता है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, आम हो, खास हो, सबके लिए एक सी बात है। उसमें भी ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इस कानून का आपको ख्याल रखना पड़ेगा तो आप महफूज हैं, क्योंकि आप यकीन कीजिए कि हम तकरीबन 94-96 का मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इतने अरसा हो गया है जी, इतना अरसा हो गया है, और अभी तक किसी ने ये नहीं चेक किया कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कानून को आप फॉलो करोगे तो आप इंशाल्लाह महफूज रहोगे और अमन अमान में रहोगे। बिल्कुल सही। अच्छा वैसे तो आप मसरूफ रहते ही होंगे, लेकिन फिर भी जब भी कभी आपको वक्त मिलता है तो आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट टाइम पास क्या है? हमारा फेवरेट टाइम पास ये है कि हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, इधर लियाकत भाई है, इरफान भाई है, और हमारे सब दोस्त हैं, मुर्तजा साहब हैं, सब उनसे मुलाकात होती है और रहते हैं और इकट्ठे, शुरू में कुछ अरसा पहले आपको भी जैसे मालूम था कि क्रिकेट की टीम भी थी, तो मैच हुए थे, तो
ये कुछ मसरूफियात होती है कि ऐसा है कि वक्त पास करने के लिए कुछ ना कुछ दोस्तों की ज़रूरत तो होती है। वो कहते हैं ना कि किसी चाय वाले से पूछा कि आपको चाय के साथ क्या चाहिए, तो बहुत प्यारा जवाब था कि अगर पुराने दोस्त मिल जाएं तो क्या बात है। अरे वाह क्या बात तो है। दोस्तों के साथ जो चाय पीने का मज़ा है वो अलग ही है। तो ये टाइम आप निकाल ही लेते हैं? जी बिल्कुल जी, हम तकरीबन निकाल लेते हैं और वो वक्त जो होता है वो बहुत अच्छा गुजरता है। और अक्सर बेशतर हमारे 107 ही उसमें टॉपिक रहता है और प्रोग्रामों के बारे में, और यही हमारी गपशप भी रहती है। क्या बात है। वैसे तो मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि मैं यहाँ पर बातचीत को रोकूं, लेकिन वक्त वक्त हमसे कह रहा है कि बस अब यहाँ रुकना है ठहरना है। लेकिन जाने से पहले अमजद जी, मैं आपसे चाहूँगी कोई खास मैसेज आपका हमारे तमाम लिसनर्स के लिए, जो आप अपने अंदाज में देना चाहें तो वो कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज ये नहीं है, बस दरख्वास्त है आप सब लोगों से कि आप जैसे कि आज जुम्मे और जुम्मे के दिन आप लोग आते हैं, तो गाड़ी को अगर आप थोड़ा वक्त से निकलें, घर से निकलें, तो गाड़ी आपकी सही पार्किंग में लगी हो ताकि आपकी गाड़ी की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। मेरा कहने का ये मतलब है तकलीफ उन लोगों को कि जो के नमाज नहीं पढ़ते, तो आप समझ गए होंगे क्योंकि हमारी वजह से किसी और का रास्ता ना बंद हो। तो दूसरे जिस टाइम आप लोग गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, क्योंकि जिस वक्त हम लोगों ने लाइसेंस लिया था तो उस वक्त तो मोबाइल नहीं था, लेकिन आजकल मोबाइल बहुत आम हो गया है। तो प्लीज़ 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 आप अपने मोबाइल पर जो कॉल कीजिए तो गाड़ी को साइड पे लगा के ज़रूर कॉल कीजिए, क्योंकि अभी इसके ऊपर फ़ैन भी बहुत ज़्यादा हैं और कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी मैसेज नहीं है, बस आप सबसे ये दरख्वास्त है एक भाई की। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सी दरख्वास्त आपकी, और बड़ा प्यारा सा मैसेज इस दरख्वास्त के थ्रू जो है हमारे तमाम लिसनर्स तक पहुंच गया। और इन्होंने बताया कि इन्होंने बहुत पहले ड्राइविंग लाइसेंस लिया था और उस वक्त तो वाकई सही बात कही कि मोबाइल नहीं था इतना कॉमन, लेकिन आज मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है। तो आप बहुत कीमती हैं, आपकी जान बहुत कीमती है, और वो लोग जो सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं उन सब की जान बहुत कीमती है। लिहाजा आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबका ख्याल रखें। वेल विद दिस इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से एक और नए मेहमान से करवाएंगे मुलाकात, और जाते जाते अमजद जी कुछ और भी कहना चाहते हैं। जी सबको जिस टाइम दुआ कीजिए तो अपने अपने मुल्क के लिए ज़रूर दुआ कीजिए, और इस मुल्क के लिए ज़रूर दुआ कीजिए कि जिस वक्त आप अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात इसको जितनी तरक्कियाँ दी हैं इतनी और तरक्कियाँ दे। आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अमजद जी कि आपने वक्त निकाला, आपने हमसे आके यहाँ पे बातचीत की, और आप बहुत ही उम्दा समोसे और जलेबी भी लेकर आए थे। सो थैंक यू सो वेरी मच, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा आप लोगों का शुक्रिया जो आपने इस काबिल समझा और हम यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच, और इसी के साथ मैं भी आपसे लूंगी इजाजत। अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए FM 107।